Hey guys, Shavi this side and welcome to my channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी मेरी आई शेडो पैलेट का कलेक्शन है. तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 आई शेडो पैलेट है और उसके अलावा 5 मेरे पास सिंगल आई शेडो है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. तो गाइज मेरी जो फर्स्ट आई शेडो पैलेट है वो ये है. तो ये मेबेलिन की आई शेडो पैलेट है और इसे मैंने मिंत्रा से परचेज किया था. तो वैसे कुछ 800-900 की आती है बट उस टाइम मिंत्रा पे डिस्काउंट था तो ये मुझे 624 की थी. आई गेस शायद मैंने इसे 600-650 के बीच के लिया था. तो इसमें ये 12 शेड आते हैं और इसके साथ एक ये सिंगल ब्रश आता है. तो ये तो एक छोटा सा ब्रश. तो इसे इस ब्रश को आप, ये शायद पेंसिल ब्रश है, तो इस ब्रश के आप इनर कॉर्नर में अपने हाईलाइट लगा सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो. और जो इसके शिमर शेड हैं तो इस ब्रश के साथ वो सारे शिमर शेड काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे. और दूसरी साइड इसके ये स्पंज ब्रश दे रखा है. इसका यूज़ मतलब एक आपको करना है कि हाँ भाई मेरे पास ब्रश है तो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो. तो आप कोई भी इस पे शेड पिक करके अपने लोअर लैश लाइन पे इससे अप्लाई कर सकते हो तो काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं इससे. तो अगर हम शेड की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 मैट शेड आते हैं. एक ये ब्रश, तो इट जस्ट ये बेसिकली जस्ट पाउडर कॉम्पैक्ट जैसा शेड है. तो बस आप इसे अपनी आइज को सेट कर सकते हो. उसके अलावा एक ये ब्राउन शेड और ये ब्लैक शेड, ये 2 मैट शेड है. इसके अलावा सारे शेड इसमें शिमर शेड है. तो गाइस इसके स्वेचेस आप देख लीजिए. सो गाइज उसके बाद सेकंड आई शेडो पैलेट मैंने ये परचेज किया था. तो ये पहले मुझे एक्चुअली आप खुद देखो, इसमें सारे न्यूड शेड है. तो मेरा मेकअप की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मुझे लगा यार इससे तो, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक ब्राउन के अलावा कोई भी मैट शेड नहीं था. तो फिर मुझे यही लगा कि यार इससे तो बहुत ही लिमिटेड शेड में मतलब मुझे उस टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे, मुझे सेल्फ मेकअप सीखना था. तो मुझे उसके लिए ये पैलेट मतलब काफ़ी कम ही लगा. तो उसके बाद मैं फिर ऐसा एक बहुत ही सुंदर कलर का पैलेट ढूंढ रही थी. तो उस टाइम यार अब मैं स्टार्ट कर रही थी, बिगनर थी, तो मैंने ज़्यादा पैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं समझा. ये वाला पैलेट मुझे अमेज़ॉन पे मिला लेकिन वहाँ से मिनिमम 2 क्वांटिटी परचेज कर सकते थे. तो फिर मैंने लोकल मार्केट में थोड़ा छानबीन की, उसके बाद मुझे ये पैलेट मिल गया और सिर्फ ये 200 रुपये का पड़ा था मुझे. तो इसमें ये इतना सुंदर शेड है और काफ़ी पिगमेंटेड भी है ये पूरी आई शेडो पैलेट. और उसके बाद इसमें 1, 2, 3, 4 तो इसमें 4 शिमर शेड हैं और ये 16 पूरे इसमें 16 शेड का पैलेट है ये. इसमें 4 शिमर शेड है और ये वाला जो शेड है ये काफ़ी फॉल आउट करता है. तो मैं तो इसे यूज़ करती ही नहीं. एक ये फर्स्ट और एक ये लास्ट, ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है. अभी तो फिर भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन आई पे लगाने के बाद ये कहीं गायब हो जाता है. मतलब मुझे नहीं लगता ये अच्छा यार, मेरी आईज पे दिखता ही नहीं है, अच्छे से दिखता ही नहीं है. तो मैं इसे भी नहीं करती, ठीक है छोड़ो. और लेकिन बाकी सारे बहुत ही सुंदर हैं. अगर आप एक बिगनर हो तो ये पैलेट आपको काफ़ी अच्छे से सूट होने वाली है. मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं और कितने सुंदर सुंदर शेड है, आप कितने सारे एक्सपेरिमेंट करके आई लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो गाइस थर्ड मेरी आई शेडो पैलेट है ये सुंदर सी आई शेडो पैलेट एंड ये है कॉलोस एंजल्स की. एंड इसका मुझे इतनी सुंदर लगती है, मैंने इसका कवर भी संभाल के रख रखा है. तो इसमें है सिर्फ 5 शेड, ये एक शीट. तो इसमें सिर्फ 5 शेड हैं और ये 3 शेड इसमें शिमर शेड है, सिर्फ ये 2 शेड इसमें मैट शेड है. और ये वाला शेड आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो. तो ये भी काफी लिमिटेड हो गई अगर आपको बजट में है. अगर आप सिर्फ इन 5 शेड के लिए 645 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये काफी पिगमेंटेड भी है. लेकिन और मुझे ये एक्चुअली PR में मिली थी
तो लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे आई लुक क्रिएट हो सकते हैं और इनकी क्वालिटी टेक्सचर सबका बहुत सुंदर है। और इसमें एक ब्रश आया था, वो इसमें कुशन ब्रश आया था, तो उसके दोनों साइड कुशन ब्रश था ही था वो, और वो अभी मेरे पास नहीं है, वो एक्चुअली मेरा घर रह गया और वो टूट भी गया एक साइड से, वो ऐसे बिल्कुल पुश हो गया कहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे टूट गया और मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं उसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब गया वो ठीक है। तो ये अगर बट मुझे लगता है यार 645 रुपये आप सिर्फ इन 5 शीट के लिए इन्वेस्ट करोगे। सो गाइज नेक्स्ट आई शेडो है ये सिंगल आई शेडो एंड ये 5 आई शेडो है और मैंने इनका पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो आप देख सकते हैं उसे, ये भी काफी। सो गाइज नेक्स्ट है ये आई शेडो क्रेयॉन एंड ये है कलर एसेंस का, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इसके साथ कुछ ऐसा था एंड इसका शेड वैसे तो शिमर शेड है लेकिन ये अच्छा नहीं है, मुझे काफ़ी चीप शेड लगता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर शेड है, ये पैलेट मतलब आप वेडिंग लुक आराम से इससे क्रिएट कर सकते हो, ये तो मुझे नहीं लगा अच्छा। सो गाइस दिस इज द लास्ट वन, तो इसके भी काफी सुंदर शेड हैं और इसके साथ ये ब्रश आता है एंड ये ब्लेंडिंग ब्रश और यहाँ काफी प्रिसाइज्ड ब्रश दे रखा है, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, ये ब्रश यहाँ एक एक्स्ट्रा हेयर इसके ऊपर आ रहा है और इसके कॉर्नर भी यहाँ से शार्प है, यहाँ से बिल्कुल ऐसा नहीं है अच्छा, और लेकिन ब्लेंडिंग ब्रश इसका सही है, या ये लुक भी मैंने कॉर्नर में इसी से ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई किया और ये वाला शेड मैंने यहाँ कॉर्नर में अप्लाई किया, तो ये काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है और ये डिलीवरी टाइम पे ये टूटा आया था ठीक है, बट ये बहुत सुंदर शेड है तो आप इसके स्वेचेस देख लीजिए। सो गाइज डेट्स इट, ये था मेरा पूरा आई शेडो का कलेक्शन, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।